सुजय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं खड़ा हूँ अभी आनंद दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, और आज हमारी जर्नी होने वाली दोस्तों दिल्ली से लेकर कानपुर तक, ट्रेन नंबर 22806। छोटी जर्नी होने वाली करीब 400 किलोमीटर की। तो हम लोग जो है दोस्तों आज थोड़ी डिटेल में जर्नी करेंगे दिल्ली से कानपुर की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हाई स्पीड इसकी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को, और कॉस्टिंग दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो हमारी जर्नी होगी वो होगी करीब हाई स्पीड जर्नी, जो कि करीब 130 किलोमीटर की करीब 130 किलोमीटर की रफ्तार से जर्नी होने वाली हमारी आज। और हाँ, मेरी आँखों पर मत जाइएगा दोस्तों, अभी मेरी एक आँख जो छोटी लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि उस आँख में जो है इन्फेक्शन हो गया है कीड़े की वजह से, जो रात में कीड़े छोटे छोटे घूमते रहते हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, इससे मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल। चलिए, अभी ट्रेन हमारी आई नहीं है भुवनेश्वर एक्सप्रेस, जो कि वीक में एक दिन चलती है हर मंडे को, तो आप ट्रेन को आने देते हैं और ट्रेन में बोर्ड करते हैं या फिर जर्नी शुरू करते हैं। और इस ट्रेन का दोस्तों रेक शेयरिंग होती है भुवनेश्वर न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस के साथ, और इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी दोस्तों वही थी 9 सितंबर 2013 को। तो फिलहाल चलिए ट्रेन आने देते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों को अपनी जर्नी के साथ, और स्टार्ट करते हैं ट्रेन आने के बाद हमारी जर्नी। महानंदा ने हमें ओवरटेक मार दिया है, हम सफर गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, हमारी जर्नी की हो चुकी है शुरुआत, और हम लोग निकल चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल से 8:00 पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में, जब ट्रेन थोड़ी स्पीड पकड़ लेती है तब आप लोगों से मुलाकात होगी, और देखते हैं आज दिल्ली कानपुर रूट में क्या तबाही मचाती है ये ट्रेन, कितना स्पीड देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारी जर्नी में आज दिल्ली कानपुर के बीच में ही है। तो आपको दिल्ली कानपुर आज थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा आज आप लोगों को। चलिए बने रहिए, मिलते हैं फिर आगे आप लोगों से जर्नी में। साहिबाबाद से दोस्तों ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, लोको पायलट साहब हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये है लखनऊ दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लखनऊ दिल्ली एसी सुपरफास्ट, दिल्ली लखनऊ रूट की राजधानी। ये सिक्के महानंदा ने हमें ओवरटेक मार दिया है, बढ़िया है, मारो ओवरटेक हम तुम्हें बांधे पे लेंगे। अभी तो सिक्के महानंदा हमें ओवरटेक मार रही है, लेकिन आगे चलकर हम इसको और भी अच्छी तरह से ओवरटेक मारेंगे। जाओ बेटा जाओ, तुम्हें आगे देखते हैं।
दोस्तों, मैंने जो अपनी आँखों को बचाने के लिए अभी जो है लगा लिया है सेफ्टी ग्लासेस, आपको देख रहे होंगे क्योंकि मेरी आँख ये छोटी जो लेफ्ट वाली आँख है बहुत सूजी भी लग रही है और इन्फेक्शन हो गई इस वाली आँख में मेरी, तो इसको थोड़ा बचाने के लिए जो मैंने सेफ्टी ग्लासेस लगा लिए हैं क्योंकि हमें अभी आगे चलकर हमें हाई स्पीड स्किप भी लेने हैं तो आँखों पर ज़्यादा धूल वगैरह ना जाए उसको बचाने के लिए, तो सेफ्टी ग्लास पहन लिया मैंने। तो फिलहाल चलिए अब ट्रेन की स्पीड बढ़ाने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये ऋषि की महानंदा बोले थे आपको ओवरटेक मारेंगे, हम बोले थे हम आपको, हो गया ना आपका ओवरटेक। सिक्किम महानंदा का ओवरटेक इस वाले कोच में, इस वाले लोकोमोटिव में भी कवच लगा हुआ है। पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इतना लेट चल रही है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भाई साहब पुरुषोत्तम इतना लेट चल रही है, सुबह 4 बजे पहुंचने वाली गाड़ी अब आ रही है, अच्छा कम से कम 5 घंटा लेट है कम से कम। हम सफर गोरखपुर अमृतसर एक्सप्रेस राजधानी आ गई।
दोस्तों आ रही है सियालदा दुरंतो। तो ये अंकल जी को आप देख रहे होंगे, ट्रेन चलने के बाद ही जो है ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई इन्होंने करनी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी साफ़ सफाई तो ट्रेन के अंदर हो रही है और यहाँ पे एसी भी थोड़ा जाम हो गया था, इसको भी साफ़ किया इन्होंने अभी, और अभी फिलहाल टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल अभी थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है, मतलब अब आगे देखते हैं ट्रेन के अंदर साफ सफाई कैसी रहती है। 22427 बिल्कुल सुपरफास्ट क्रॉसिंग स्पीड में आ रहे भाई, स्पीड में टुंडला जंक्शन पे हम किसी ट्रेन को शायद से ओवरटेक कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ओवरटेक हुआ कि नहीं होगा देखते हैं, क्या मेरे को रोका जाएगा देखते हैं। कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट का ओवरटेक हो रहा है, क्या बात है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का ओवरटेक हो रहा है भैया। बस हमें रोके ना, बस लगता सिग्नल हमें भी नहीं है दोस्तों।
दोस्तों मुझे लगा था कि यहाँ पे हमारा हम लोगों को ओवरटेक करेंगे नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। मुझे लग रहा था हम लोग मेन लाइन से निकल रहे थे और ये लूप पे खड़ी हुई थी, हमें लगा कि ओवरटेक हो जाएगा, लेकिन हमें मेन पे ही रोक दिया गया और लूप से जो है इसको निकाला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को। तो फिलहाल ये ओवरटेक नहीं होगा, मुझे लग रहा था ओवरटेक हो गया नॉर्थ ईस्ट का। फिलहाल चलिए अभी निकलेगी, थोड़ा आगे निकलेगी उसके बाद ही हमें निकाला जाएगा। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। और मेरी आंखों में यार बड़ा दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसके निकलने के बाद, जो हमारा डिपार्चर होगा उसके फिर हम लोग को दिखाऊंगा आप लोगों को मैं फिरोजाबाद शिकोहाबाद। अभी बहुत सारे स्किप मिलने वाले हैं, क्रॉसिंग भी आने वाले। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे आप लोगों से जर्नी में। ओवरटेक होने वाला संबलपुर एक्सप्रेस का सुबह आते हैं एकदम फुल रफ्तार में, तो मजा आने वाला वो ओवरटेक देखने में। इसके लिए वो ओवरटेक दिखाता हूँ आप लोगों को, बताइएगा कैसा लगा वो ओवरटेक आप लोगों को। और होने जा रहा है ओवरटेक संबलपुर एक्सप्रेस का सुबह आते हैं। रोकी ना दे तो भरोसा नहीं है। आगे फिर उधर सरानी पूरा पे
क्या स्पीड मार रही ट्रेन भाई। कौन सी ट्रेन है भाई? वेफ 7 के साथ, वेग 9 के साथ कौन सी ट्रेन है? स्पेशली होगी कोई? सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। सो दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं कानपुर, और कानपुर पहुंचने के बाद जो हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी, और कानपुर भी जो हम लोग करीब करीब 20 मिनट पहले पहुंच गए थे, और अब कानपुर पहुंचने के बाद आप लोग देख ही रहे होंगे कि ट्रेन जो है कितना रेंग रेंग के चल रही है, और 1:35 पे टाइम है सर कानपुर पहुँचने का। मुझे लगता नहीं है 1:35 पे पहुँच पाएगी, करीब करीब 1:45 तक पहुँचेगी। फिलहाल चलिए, अब मैंने वो जो सेफ्टी ग्लासेस निकाल दिए हैं और नॉर्मल सनग्लासेस पहन लिए, क्योंकि ट्रेन अब स्पीड में चलेगी नहीं कानपुर के पास, और तो थोड़ा सा आँखों को बचाना, और धूप भी तेज़ हो रही है, इसलिए मैंने एक सनग्लासेस पहन लिए अपने। फिलहाल चलिए अब कानपुर पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, और फिर जर्नी ख़त्म करते हैं यहीं पे। दोस्तों आज मज़ा बहुत आया जर्नी में, आप लोग देखिए और बताइएगा कैसी लगी ये हाई स्पीड जर्नी, क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े स्टेशन के स्किप थे, बढ़िया स्किप मिले आज, मज़ा आ गया भाई दोस्तों। तो आप लोग भी जर्नी देख, आप लोग भी जर्नी अब तक जो है आप लोगों ने भी जर्नी पूरी देख ली होगी, तो दोस्तों कमेंट करिएगा जर्नी कैसी लगी आप लोगों को, बताइएगा ज़रूर। कोई ट्रेन आ रही सामने से, कौन सी ट्रेन है? उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों हम लोग अभी कानपुर पहुँचे नहीं अभी तक, और जहाँ हम लोग करीब 20 मिनट बिफोर पहुँच गए थे गोविंदपुरी तक, वही हम लोग अभी आधा घंटा लेट हो चुके हैं। कानपुर में तो आज ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कानपुर में एक भी प्लेटफॉर्म खाली ही नहीं है, हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई ट्रेन खड़ी है। ये कौन सी है भाई? कानपुर का वर्तमान है सुबेदारगंज कृष्ण देवी। अच्छा, जम्मू मेल, ये है जम्मू मेल। पूरी ट्रेन खाली चल रही है, सुबेदारगंज से ट्रेन चला तो थी लेकिन पूरी ट्रेन खाली है, लोग ही नहीं इसके अंदर। जो पब्लिक आती है इसके अंदर, वो सारी पब्लिक आती है दिल्ली से। हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं करीब 35 मिनट लेट, और हम लोग करीब करीब गोविंदपुरी पे जो हम लोग थे तो हम लोग करीब 20 मिनट पहले पहुंच गए थे कानपुर के पास, लेकिन कानपुर सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे पहुँचते जाते हम करीब हो गए 35 मिनट लेट।
आज जो है पूरा कानपुर सेंटर पैक पड़ा हुआ था, कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, ऑटो पे रोक रोक के हमें लाया गया। और दोस्तों जर्नी करने में मज़ा आ गया दिल्ली कानपुर के बीच में, हाई स्पीड इसकी बहुत बढ़िया बढ़िया मिली है, मज़ा आ गया। फिलहाल चलिए इस जर्नी में दोस्तों इतना ही, और छोटी जर्नी थी लेकिन बढ़िया जर्नी थी। तो फिलहाल दोबारा किसी जर्नी में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ख्याल रखिएगा।